नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं राशिद अली। ये साल कहीं ना कहीं चुनावों के हवाले हो चुका है। जी हाँ, इस साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उपचुनावों का दौर जारी है। पहले देखा हमने राजस्थान में, फिर देखा मध्य प्रदेश में, और अब कहीं ना कहीं बारी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर दो लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। जाहिर सी बात है, दो लोकसभा सीटें हैं, दोनों लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक गोरखपुर की, जहाँ से वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं लोकसभा की सीट खाली हो गई, और दूसरी जो कि फूलपुर की है, जो कि वहाँ से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी CM बनने से खाली हुई है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की लड़ाई तेज़ हो गई है। एक तरफ जो कि कांग्रेस और BJP हमेशा मुख्य बड़ी पार्टी रही है और इन दोनों में लड़ाई चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ दो और पार्टी जान फूंकने वाली हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक और जहाँ बड़ी पार्टी की लड़ाई होती है कांग्रेस और BJP के बीच में, तो वहीं वहाँ दोनों पार्टियाँ और बड़ी भूमिका निभाती हैं, और ये स्थानीय पार्टियाँ सपा और बसपा हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जब 2014 में सरकार बनी तो कहीं ना कहीं BJP पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े रूप से उभर कर आई, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्थानीय पार्टियाँ सपा और बसपा, BJP के आने से पहले ही लगातार इन्हीं की सरकारें बनती आ रही हैं, कभी सपा की तो कभी बसपा की। ऐसा भी दौर चला कि एक एक बार इन दोनों की सरकार रही, लेकिन अब बात यह है कि जब से BJP सरकार वहाँ सत्ता पर काबिज है, तो बात जहाँ एक और महागठबंधन की चल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ आ सकती हैं। अगर ये तीनों एक साथ आ गई तो BJP का उत्तर प्रदेश से कहीं पत्ता साफ हो जाएगा, ये इनकी पूर्ण रूप से इनकी जीत हासिल होगी। लेकिन उससे पहले अभी वहाँ दो उपचुनाव हो रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले राजस्थान में उपचुनाव हुए जिसमें दो संसदीय सीट और एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सीट हुआ एक कोलारस और एक मुंगावली में, जहां पर विधानसभा ये दोनों सीट थी और वहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी, जिसमें लगातार दोनों राज्यों में कांग्रेस की उपचुनावों में कांग्रेस की जीत हुई। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस और BJP नहीं, यहाँ पर दो पार्टियाँ और जान फूंकने वाली हैं, जो कि सपा और बसपा हैं। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इनको लेकर क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल की अगुवाई में और तेजी से बढ़ेगा कांग्रेस की हार का रिकॉर्ड। योगी, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, उनका ये बयान है। योगी ने गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली BSP द्वारा SP को समर्थन दिए जाने की प्रबल संभावनाओं के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर कहा कि केले और बेर का कोई मेल नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा समेत तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में BJP की ऐतिहासिक सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए तंज का किया कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हार चुकी है और उनका यह रिकॉर्ड और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में BJP और उसके गठबंधन को जो ऐतिहासिक सफलता मिली है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पूर्वोत्तर के उन तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई जिन्होंने विषम परिस्थितियों में इन पूर्वोत्तर राज्यों में कमल खिलाने की कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए कहा, राहुल अध्यक्ष बनने के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं, उनका यह रिकॉर्ड और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। SP और BSP के मेल पर भी उन्होंने तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। योगी ने गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में मायावती की अगुवाई वाली BSP द्वारा SP को समर्थन दिए जाने की प्रबल संभावनाओं के बारे में जब उनसे सवाल किया तो योगी ने जवाब देते हुए कहा कि केले और बेर का कोई मेल नहीं होता। उन्होंने SP का नाम लिए बगैर BSP की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि यह किसी से छुपा नहीं है कि गेस्ट हाउस कांड किसने किया और स्मारकों को और मायावती सरकार द्वारा बनवाए गए स्मारकों को ध्वस्त करने की चेतावनी कौन लोग दे रहे थे। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में BJP की जीत के बहुत मायने हैं, प्रधानमंत्री ने विकास और सुशासन को अपना एजेंडा शुरू से ही बनाया
और अरसे से विकास के मामले में उपेक्षित पूर्वी भारत को भी विकास की प्रक्रिया की तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणाम राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस जीत ने एहसास कराया कि जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में बहुत दिन तक टिक नहीं सकता। योगी ने कहा कि इतिहास में पहली बार वामपंथ के किसी गढ़ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर वहां विकास के रंग यानी केसरिया को आच्छादित कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर आगे और भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर में मिली चुनाव सफलता का प्रभाव कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। हाँ, साफ तौर पर कहा है। मैं आपको बता दूं कि आगे आगे पूर्वोत्तर में मिली इन्होंने चुनावी सफलता का प्रभाव, जो कि कर्नाटक में अब चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ने की उन्होंने बात कही है। और बीजेपी के विकास तथा सुशासन के लक्ष्य को आगे करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कुशल रणनीति के तहत पार्टी इन राज्यों में भी पार्टी विजय पताका फहराएगी। ये सब बोल जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वोत्तर राज्यों में जीत के बाद बोले हैं, और किस तरह से उन्होंने वहां पे इस जीत का जो कि श्रेय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह और पूर्वोत्तर राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक तंज कसा है। तंज सबसे पहले बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर, जो कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी हार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने सपा और बसपा को लेकर भी कहा, उन दोनों के गठजोड़ की संभावनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि केले और बैर का कोई मेल नहीं होता। जी हाँ, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो दो उपचुनाव होने हैं, फूलपुर और गोरखपुर की दो महत्वपूर्ण सीटें, जिसमें अगर कहीं ना कहीं अगर राजनीति होती है तो किन मुद्दों को उठाया जाता है। जाहिर सी बात है, दोनों ही सीटें जो कि एक सीएम योगी आदित्यनाथ की है तो दूसरी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। वाकई में इन दोनों ही नेताओं ने वहाँ पर सीट खाली हुई है, क्योंकि एक सीएम तो दूसरा डिप्टी सीएम बना है। लेकिन इनके मुकाबले जो वहाँ पर अब जो नए चेहरे आएंगे, देखने वाली बात होगी कि सपा वहाँ पे कौन सा उतारेगी, बसपा वहाँ पे कौन सा उतारेगी, कांग्रेस वहाँ पे कौन सा उतारेगी, जिससे कहीं ना कहीं उनके लिए जीतना जो है बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं और उन्हें वहाँ पर जगह दी गई है। और इसी के मद्देनज़र ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये हार गए, अगर बीजेपी, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी वहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, बीजेपी को वहाँ पे हराते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लगाया जा सकता है या लोकसभा चुनाव में, इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जब सीएम और डिप्टी सीएम की सीट उन्हीं के क्षेत्र में वो हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ, और ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं और पार्टियां जो कि विपक्षी दल है, कहीं ना कहीं वो मजबूत होते जा रहे हैं और बीजेपी जो है वहाँ की कमज़ोर होती जा रही है। बहरहाल, ये दो सीटें जो कि उपचुनाव में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, कहीं ना कहीं ये दोनों ही सीटें एक अंदाज़ा ज़रूर दे देंगी कि अब आगे कौन सी पार्टी आकर राज करने वाली है। प्रदेश में ही ज़रूर, भले ही देश में ना हो, लेकिन प्रदेश का हाल ये दो सीटें बताने के लिए काफ़ी हैं और ये दो सीटें जनता का रुख बता देंगी कि वहाँ पर अब कौन सी पार्टी उभर कर आने वाली है। लेकिन अगर वहाँ बीजेपी की सरकार जीती, अगर बीजेपी की ही दोनों नेता जीत गए, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ अब भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगली बार भी अगर जनता उनसे खुश है तो उन्हें ज़रूर जिताएगी। तो बहरहाल, अब देखना ये होगा कि आखिर वहाँ पर कौन सी पार्टी इन चुनावों में अपनी जीत का परचम लहराती है। क्या सभी पार्टी अलग अलग आएंगी या फिर
पार्टी गठजोड़ करके, पार्टी गठबंधन करके बीजेपी को मात देने की रणनीति बनाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की सीट को लेकर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।